नमस्कार दोस्तों, संगीत कला म्यूजिक में फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज हम लोग एक पवन सिंह का गीत सीखेंगे। छठ माता का गाना है और बहुत फेमस गीत है, तो आइए इस गीत को आज हम लोग हारमोनियम पर सीखते हैं किस प्रकार है छठ का गाना। गाना सीखने से पहले हम लोग जान लेते हैं स्वर कौन कौन से लगेंगे और गाना कहाँ से कहाँ तक बजेगा, फिर इसको चालू करते हैं। तो ये गाना मैं रिकॉर्ड करूँगा यहाँ से। ये मेरा सा रहेगा, यप सार्प तीसरी काली। तो यहाँ से मैं बताऊँगा ये सा मान करके। तो यहाँ से सा देखेंगे तो स्वर कौन कौन से लग रहे हैं एक बार देख लेते हैं। सा रे गा कोमल, मा पा धा कोमल, नी कोमल, धा पा मा गा रे सा नी, नीचे के स्वर में नी एक कोमल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक गाना बजेगा। कोमल स्वर की बात करें तो ग ध नी कोमल, ठीक। गाना चालू होगा सा से। अब आइए एक लाइन बिल्कुल स्लो में मैं गुनगुनाते हुए चलता हूँ, फिर इसको सरगम में समझते हैं इसका स्वर लिपि क्या बन रहा है देखते हैं। तो गाना चालू हो रहा है यहाँ से। उगी हैं सूरजमाला नयो ना डो, इस प्रकार है। अब आइए इसका देखते हैं स्वर लिपि क्या बन रहा है। तो उगी है जो बज रहा है, उगी है तो साप बज रहा है, उगी है सा 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 सूरज रे 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 माला माला ऐसा हो रहा है। मा आ थोड़ा यहाँ ठहराव है। तो उगी है सूरज माला मामा नयो नयो गमा पा ना डोले ना पा डोले मा मग मगर सा ऐसा हो रहा है डोले का डोले। ओके रे। अब फिर एक बार इसको बजाएंगे। एक बार तो ये हो गया, दूसरी बार जब बजाएंगे तो सेम टू सेम सरगम रहेगा, केवल डोले पर थोड़ा बदलेगा। कैसे उसको ध्यान देना है। उगी है सूरज माला नयो ना डो डोले, एक बार तो ये हो गया, दूसरी बार जब उगी है सूरज माला नयो ना डोले रे। अब ये डोले जो हो रहा है, डोले तो यहाँ हो जा रहा है मा ग मा डो डोले रे मा ग मा डोले का मा ग मा। अभी पहली बार जब डोले का बजाए तो क्या बजाए मा ग मा ग रे सा। अब दूसरी बार जब डोले का हो रहा है तो मा ग मा ग मा, ठीक। इतना बोलने के बाद डो डोले रे 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 गरे सा रे कोयलिया बोले कोयलिया बोले। अब कोयलिया क्या बन रहा है सा सा रे सॉरी सा सा रे कोयलिया बोले रेगा बोले हो गई ले हो गई
रे ग भोर भिनु सार रे सा सा हो गईले भोर भिनु सार। अब एक बार मैं पूरा बजाता हूँ, देखिए। उगी है सूरज माला नयो ना डोले, उगी है सूरज माला नयो ना डोले रे कोयलिया बोले, हो गईले भोर भिनुसार रे कोयलिया बोले, हो गईले भोर भिनुसार। इस प्रकार है, इतना बजाते हैं तो इसका मुखड़ा कंप्लीट हो जाता है। अब चलेंगे अंतरा पर। अंतरा भी एकदम आसान है, अंतरा भी चालू हो रहा है सा से। कैसे? दुई दिन के भूखल तिवई जल बीच बाड़ी खान जी, हाथ में कल सुप ले के कल पे करे इंतजार जी। अब आइए इसका नोटेशन देखते हैं। दुई दिन के, यहाँ दो स्वर पर बज रहा है सा सा रे रे रे। दुई दिन के भूखल ग ग तिवई ग रे, दुई दिन के भूखल तिवई तिवई ग रे, जल जल सा नी, नीचे का नी कोमल, जल बीच बीच ऐसा हो रहा है बीच निशा निशा बाड़ी रे रे बाड़ी खाड़ जी बाड़ी खाड़ जी गारे सा खाड़ जी। फिर से देखिए। दुई दिन के भूखल तिवई जल बिच बाड़ी खाड़ जी, जल बिच बाड़ी खाड़ जी, बाड़ी का हो रहा है रे रे, बाड़ी खाड़ जी, खाड़ जी का हो रहा है ग रे सा। ठीक। अब दूसरा लाइन, हाथ में कल सुप ले के कल पे करेली इंतजार जी, हाथ में कल सुप ले के कल पे करेली इंतजार जी। अब इसका नोटेशन, हाथ में निनिसा, हाथ में निनिसा कोमल नी नीचे का, हाथ में कल सुप सा रे रे रे, कल कल सुप सा रे 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 लेके गरे लेके कल पे सा सा करेली करेली ऐसा हो रहा है रे सा करेली रे सा इंतजार जी इंतजा इंतजार जी। इसका इंतजार जी का नोटेशन, नी सा रे ग रे सा नी सा रे ग रे सा नी सा रे ग रे सा। ठीक। फिर यहाँ आ जाएंगे प प। ओठवा झुलाई गईले मुहावो न खुले रे कोयलिया बोले, हो गईले भोर भिनुसार। अब इसका, ओठवा झुलाई गईले ओठवा झुलाई गईले, नोटेशन इसका,
निधा पापा मा। अब टुकड़ा इसमें करेंगे तो ओठवा का बन रहा है, पापा नी झुराई पाधा पा झुराई गई ले पामा। ठीक, फिर मुहाओ गामा पा मुहाओ ना खुले मागमा मागमा रे रे गरे सा रे कोयलिया सा सा रे बोले रे ग हो गई ले रे ग रे सा हो गई ले भोर सा रे ग बिनु सार रे कोयलिया बोले हो गई ले भोर बिनु सार। बस इतना ही है, इसी पर सारा गाना बजा हुआ है। सारे के सारे अंतर इसी बजने बजे हैं, केवल शब्द अंतर हुए हैं, सरगमोई है। आइए एक बार पूरा मैं गाना बजा देता हूं जिससे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। उगी है सूरज मल नैयो ना डोले उगी है सूरज मल नैयो ना डोले रे कोयलिया बोले हो गई ले भोर बिनुसार रे कोयलिया बोले हो गई ले भोर बिनुसार दुई दिन के भूखल तिवई जल बिच बाड़ी खार जी हाथ में कल सुप लेके कल पे करेली इंतजार जी दुई दिन के भूखल तिवई जल बिच बाड़ी खार जी हाथ में कल सुप लेके कल पे करेली इंतजार जी इस प्रकार है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप सब इसको तैयार करें और इसका आनंद उठाएं। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।